हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर्यन आर्या फैमिली ब्लॉग। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मॉर्निंग के 10 o'clock से। और फ्रेंड्स, मैं आज सोच रहा हूँ कि हमारे बलिया शहर में माँ दुर्गा का पंडाल कहाँ कहाँ कैसा कैसा लग रहा है, आप सबको दिखाऊँ। और फिर चलते हैं माँ दुर्गा के पंडाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चलते चलते आ गया टाउन हॉल रोड बलिया। और ये रहा हमारा, यहाँ से सीधे स्टेशन दिखता है। और ये रहा हमारा रेलवे स्टेशन का प्यारा सा झंडा। फ्रेंड्स, मैं ये सोच रहा हूँ माँ दुर्गा का पंडाल दिखाने से पहले मैं चल रहा हूँ यहाँ पे 52 वर्ष पुरानी लिट्टी और चोखा की जो दुकान है। लिट्टी 52 वर्षों से बना रहे हैं, बहुत पुरानी दुकान है। 52 वर्ष मतलब बहुत ज़्यादा पुराना। चलिए चलते हैं वहाँ पे, टेस्ट करते हैं कैसी लिट्टी बनी है। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ और खाते हैं प्यारी सी लिट्टी चोखा बिना लहसुन प्याज वाली। फ्रेंड्स, 52 ईयर्स पुराना मशहूर दुकान है। तो फ्रेंड्स, ये है 52 वर्ष पुराना यहाँ का, एकदम भृगु मंदिर के सामने बगल में ही है शॉप लिट्टी चोखा का। और खाते टेस्ट करके बताते कैसा है। ये आ गया हमारा लिट्टी और चोखा, टेस्ट करके बताते कैसा है। तो ये लिट्टी और चोखा। ये है गोईठे वाली लिट्टी और ये है छानी हुई लिट्टी। और ये क्या है? ये दही है। दही है। ये इतनी पतली क्यों है? ये पतली है, ये अच्छा। तो ये सब यहाँ पे मिलता है। तो फ्रेंड, चलते अच्छे से लिट्टी चोखा खा के हो गया। और उसके बाद चलते चलते अब मैं आया हूँ, ये है जापलिंगगंज। और ये चापलिंगगंज पुलिस चौकी और जस्ट सामने ही माँ दुर्गा का पंडाल, यहाँ पे तैयारी चल रही है। और भी दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे हमारे शहर में माँ दुर्गा का पंडाल का तैयारी चल रहा है। बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम लोग आ गए हैं चौक में चापलिंगगंज से। एक दिखाया माता जी का आगमन की तैयारी और ये है चौक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑक्टेनगंज है और यहाँ पे भी माँ दुर्गा का पंडाल है। रुकिए, मैं आप लोगों को पास से दिखाता हूँ। और यहाँ पे भी माँ दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है, ये है ऑक्टेनगंज। और इसके बाद फ्रेंड्स, देखते हैं कहाँ पे सबसे अच्छा हमारे बलिया में पंडाल लगा हुआ है। जब माँ दुर्गा आएंगी तो आप लोगों को वहाँ पर दर्शन कराने ले चलूँगा। तो चलिए और भी देखते हैं कहाँ कहाँ पे पंडाल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते मैं आ गया आर्य समाज रोड में। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे माँ दुर्गा विराजमान तो हो गई हैं पर अभी इनका मुख नहीं खुला हुआ है। तो ये है आर्य समाज रोड का माँ दुर्गा का पंडाल, अभी बन रहा है और सफाई भी चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया बलिया चौक के सजावट गली में और यहाँ से डांडिया लेते हैं, देखते हैं कैसा मिलता है। ये रहा एक और। तो ये पूरा सजावट गली है फ्रेंड्स, पूरा सजावट गली है। देखिए हर जगह बस फूल माला ही आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं पूरा दिन अपने बलिया शहर के नवरात्रि पूजा की तैयारी और माँ दुर्गा पंडाल का जो भी तैयारी चल रहा है, कहाँ कहाँ पे अच्छे अच्छे पंडाल तैयार हो रहे हैं और कैसे तैयार हो रहे हैं, ये सब दिखाने की कोशिश थी। और जब माँ दुर्गा का पूजा और मुख खुल जाएगा और सबसे अच्छा पंडाल कौन सा है मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज यहाँ पे मैं जो 52 वर्ष पुराना लिट्टी चोखा का दुकान था वहाँ पर भी गया और शुद्ध चने की सत्तू की लिट्टी वहाँ पर मिली, बहुत ही टेस्टी था।
और आप लोग को भी बोलूँगा जो हमारे बलिया शहर के हैं, आए तो ज़रूर एक बार वहाँ पे खाएं, बहुत अच्छा था। और उसी के साथ मैं इस ब्लॉग की एंडिंग लेना चाहूँगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।